प्यारे साथियों, आज के दौर में हर कोई दज्जाल के बारे में जानना चाहता है। दज्जाल के बारे में एक हद से ज्यादा तजस्सुस करना अच्छा नहीं है, क्योंकि खुदा जाने हमारा उस वक्त क्या हाल होगा जब वो हमारे ईमानों को आजमाइश में डालेगा। अलबत्ता फितना दज्जाल के आसार जाहिर होने, फलने फूलने और दिन ब दिन बढ़ते चले जाने से किसी को इनकार नहीं है। मुस्तकबिल टीवी में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। आज का इंसान जिस तरह मजहब के बजाय सिस्टम, फितरत के बजाय मसनूई पन और आला इखलाकियात के बजाय नफसानी ख्वाहिशात की जकड़बंदी में फंसता चला जा रहा है, उसे हम दज्जाली तहजीब, दज्जाली निजाम, दज्जाली मजहब या फितने दज्जाल का नाम ही देंगे। लिहाजा हमें दज्जाल के बारे में तजस्सुस में पढ़ने से ज्यादा दज्जाली निजाम को जानने की जरूरत है, ताकि हम उसके खिलाफ खड़े हो सके, उसके खिलाफ काम कर सके। आखिर किस तरह हर जी शऊर के जहन में ये बात आएगी कि कैसे, किस तरह से? तो चले आइए आज इस बात को समझते हैं। दरअसल मगरिब में शैतान के पुजारियों और दज्जाल के चेलों का बामी अकट है। शैतान के एक चेले ने एक इंटरव्यू में खुले आम बताया था कि शैतान और इसकी जमात के तीन बड़े अजाइम हैं। पहला